हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल दिव्या नायरास ब्लॉग। आज इस ब्लॉग में मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वेज ग्रिल सैंडविच की विद वन ट्विस्ट। एक ट्विस्ट के साथ हम इस सैंडविच को बनाएंगे और देखिएगा ये बहुत यम्मी बनने वाली है ये रेसिपी। तो चलिए आइए बनाते हैं। इसके लिए मैं आपको पहले अपना इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ, जो जो इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी में लगने वाले हैं। ये आपको वन स्लाइस वन कैप्सिकम, एक बाउल कैबेज, ग्रेटेड कैरेट वन बाउल, और ये हाफ कप मेयोनीज जाएगा इसमें, और चार टेबलस्पून आपका जाएगा बटर, सॉल्ट अकॉर्डिंग योर टेस्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, जिंजर गार्लिक पेस्ट हाफ टी स्पून जाएगा इसमें, एंड चिली ग्रीन चिली, अगर आपको मतलब ग्रीन चिली अच्छी लगती है। ये दो ग्रीन चिलीज मैंने ली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक टेबल स्पून ऑयल ले लिया मैंने, इसी के साथ मैं इसमें दो टेबल स्पून बटर ऐड कर लूंगी। जिससे कि हमारा बटर जलेगा नहीं, इसलिए मैंने ऑयल ऐड किया है इसमें। पेस्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट हाफ टी स्पून, यही वो ट्विस्ट है। इसको हम अपने वेजिटेबल्स को हम स्टर फ्राई करेंगे, जिससे हमारे जो सैंडविच का टेस्ट है वो एनहांस हो जाएगा। रॉ नहीं खाएंगे हम सब्जियां इसमें। देखिए आप, अब मैं इसमें ऐड करूंगी रेड चिली फ्लेक्स वन टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच जितना रेड चिली फ्लेक्स। गैस को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। सॉल्ट लिटिल बिट, अब इसमें जाएगा ऑर्गेनिक, इफ यू रिक्वायर देन यू कैन ऐड। वन कप ऑफ वन अनियन स्लाइस, साथ ही कैप्सिकम वन कैप्सिकम लिया है मैंने। अब हम इसको सब्जियों को सॉटे कर लेंगे। एक मिनट के लिए सॉटे करेंगे, एक दो मिनट लगेंगे। अब मैं इसमें ब्राउन डालूंगी कैबेज वन कप ऑफ कैबेज, इसके साथ ऊपर डालेंगे इसमें कैरेट, यम्मी सा हमारा ये सैंडविच बनने वाला है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। वैसे तो आपने सैंडविच खाए होंगे, नॉर्मल सैंडविच, हमारे वेज सैंडविच जिसमें हम सब्जी को काट के मेयोनीज में डाल के और उसको हम अपने ब्रेड पे स्प्रेड कर लेते हैं, वैसे ग्रिल कर लेते हैं। बट इसमें ये ट्विस्ट है कि हम पहले सब्जियों को स्टर फ्राई करते हैं। स्टर फ्राई करके हम इसे ठंडा करेंगे एंड देन इसमें मायो ऐड करेंगे मेयोनीज एंड उसको हम ग्रिल करेंगे। तो अभी मैं इन सब्जियों को स्टर फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से। ये ग्रीन चिली डाल दी है मैंने इसमें। थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा इसमें, वन टीस्पून अराउंड, क्योंकि मेयोनीज में भी सॉल्ट होता है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कीजिएगा जैसा आपको पसंद हो। गैस को तेज कर दीजिए एंड इन्हें स्टर फ्राई कीजिए वेजिटेबल्स को, अच्छे से कुक होने दीजिए थोड़ा सा। जब तक हम अपने ब्रेड पे बटर लगा लेते हैं,
अगर आप चाहें तो बटर के जगह आप देसी घी भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप क्या पसंद करते हैं। अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी चाहते हैं तो घी लगाइए, घी अप्लाई कीजिए बटर पर। अगर आप उससे भी ज़्यादा क्रिस्पी चाहते हैं तो आप इसे बिना बटर बिना घी के ग्रिल कीजिए ब्रेड को। ये रेसिपी जाएगी आपकी 8 स्लाइसेस के लिए, इसमें आपको 4 सैंडविच आपके बन जाएंगे आराम से। 8 स्लाइसेस 4 सैंडविच यू कैन मेक विद दिस। आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अभी मैं गैस ऑफ कर देती हूँ, मैं एक बाउल में ट्रांसफर, थोड़ा ठंडा होने देते हैं इसे, देन इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे। तो अभी मेरा बैटर ठंडा हो चुका है, मैंने इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो अब मैं इसमें 1/2 कप मेयोनीज का ऐड करूंगी। और 1 टीस्पून टोमेटो सॉस, अगर आपको पसंद है आप ऐड कीजिए, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं टोमेटो सॉस। और आप मेयोनीज की जगह आप हम कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, यम्मी, इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। ग्रिलर पहले से ही प्री हीट करके रखा हुआ है तो इस पर मैं अपना बैटर रख लेती हूँ। 2 चम्मच आप इसमें डाल दीजिए ब्रेड के अंदर और इसमें स्लाइस ऊपर से कवर कर दीजिए, थोड़ा सा प्रेस करके इसे इसमें ग्रिलर में ग्रिल होने रख दीजिए। ये मैंने ग्रिलर में ग्रिल होने रखा है, इसे रख देते हैं। अब ये ग्रिल होगा, इसको 1 मिनट तक इसको ग्रिल होने देंगे, देन इसकी साइड चेंज करके अगेन इसे ग्रिल करेंगे 1 मिनट के लिए। तो सैंडविच को ग्रिल होने में लगभग 2 से 3 मिनट लग जाते हैं और उसके बाद आपका सैंडविच रेडी है। ये देखिए एक साइड से ग्रिल हो चुका है, अब हम इसे साइड को लटके इस तरह से ताकि स्क्वायर में आ जाए लाइन, यहाँ से भी 1 मिनट के लिए और इसे ग्रिल करेंगे। ये देखिए हमारा सैंडविच अच्छे से ग्रिल हो चुका है, अब हम इसे प्लेट पे निकाल देते हैं। हम स्लाइस कर लेते हैं, मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।